लखीमपुर में हुई हिंसक घटना के बाद विपक्ष का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी भी लगातार किसानों की हत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लखीमपुर भी गए थे और आज बहराइच में भी मृतक किसानों के परिजनों से मिलने गए। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी की लखनऊ इकाई की तरफ से महानगर में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और लखीमपुर की घटना के अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग की। सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार हमारे अन्नदाता किसानों के ऊपर बर्बर उनके ऊपर इसको क्या कहें, जिसकी जितनी भर्त्सना करें उसकी कम है, जिस प्रकार निर्दोष अन्नदाता किसानों ऊपर गाड़ियां चला के उनकी हत्या की जाती है, वो भी केंद्रीय एक मंत्री द्वारा, उसके संरक्षण पे उसके पुत्र के द्वारा गाड़ी, वहां की गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। लेकिन इस प्रशासन जो वर्तमान में सत्ताधारी प्रशासन है वो पूरी तरीके से मौन है। कोई रिपोर्ट लिखने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा संरक्षण मिला हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का उस जो दोषी है उसको। और साथ साथ आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार आज लखनऊ में 100 पार हो चुका है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई महंगाई, उसके साथ साथ रसोई गैस के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमियों का जीना दुहार हो गया इस भाजपा सरकार में। सरकार कह के आई थी हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जितने भी वादे सरकार करके आई वो पूरी तरीके से फेल हुई। महंगाई आज बिल्कुल चरम पे है। किसानों को उनकी अपनी फसलों को बचाना मुश्किल हो गया और लखीमपुर में हुए किसानों की जघन्य हत्या को लेके आज हम लोग प्रदर्शन करने जिलाधिकारी कार्यालय जा रहे थे, लेकिन इस सरकार द्वारा इस अड़ियल रवैये के कारण हम लोगों को ज्ञापन देने से भी लोकतंत्र की जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को रोकने के लिए भी इस प्रकार का कार्य किया गया और हम लोग को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जनता सब देख रही है और जान रही है भाजपा के राज में संविधान सुरक्षित नहीं रह गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लगता है कोई सरकार है नहीं। लखीमपुर की घटना सहित प्रदेश में जगह जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें बीजेपी के नेता ही शामिल है, मुलजिम है, प्रशासन और पुलिस। लखीमपुर घटना को लेकर क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि दोषी आदमी है, खासतौर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा दबंग है, गुंडा है, उसी ने गाड़ी चढ़ाई किसानों पर, चार किसान मर गए, एक पत्रकार मर गया, तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना है, उसे गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी महंगाई और व्यापारियों की हत्या को लेकर प्रदर्शन करेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही और व्यापारियों की हत्या करने वाली जा रही है, आज जिला समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की सरकार को समाजवादी लोग जवाब देने का काम कर रहे हैं और महंगाई से अगर उत्तर प्रदेश की सरकार निजात नहीं दिला सकती तो इस्तीफा देने का काम करे उत्तर प्रदेश सरकार। लखीमपुर घटना को लेकर क्या प्रदर्शन है? देखिए, जिस तरह लखीमपुर में घटना हुई और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का शासन नजर आया, जिस तरह अंग्रेजों के शासन काल में घोड़े चढ़ा दिया करते थे अंग्रेज लोग, उस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों पे गाड़ियां चढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार होते जा रहे हैं लोग है उत्तर प्रदेश में, सड़कों पर निकले लोग डरते हैं, उत्तर प्रदेश के हालात बस्ते बस्तर है, बहन बेटियां। लखीमपुर वाली घटना को लेकर भी विरोध की घटना को लेकर के सारे समाजवादी सड़कों पर है, घटने पर बैठे गिरफ्तारी हुई। लखीमपुर गए आज बहराइच में है, आज समाजवादी लखीमपुर घटना के सड़कों पर है। लखीमपुर घटना को लेकर क्या मांगे हैं आपकी? और उनके बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, अदालत उन्हें फांसी की सजा दे। हम लोग समाजवादी लोग यही मांग करते हैं, न्याय नहीं मिलेगा समाजवादी आंदोलन जारी रखेगी। समाजवादी पार्टी है प्रदेश में आज एक विज्ञापन सौंपा है।
जो भी जिले हैं सभी जिलों के डीएम को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा, देश में महंगाई, किसानों के प्रति हो रहा अत्याचार, जो लखीमपुर की घटना है उसमें जो उनके मंत्री के जो बेटे जो फरार हो रखे हैं, उसे पता चला है कि वो शायद नेपाल भाग गए हैं, उसको लेके और महंगाई को लेके, चाहे वो कड़वे तेल की महंगाई हो, पेट्रोल डीजल गैस, जो भी आम जनता की परेशानियां हैं, सरकार से जो परेशानियां हैं उसको लेके आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है।